लखनऊ से एक बड़ी खबर है। मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होटल ताज में होगी। अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मायावती भी रहेंगी। ये भारत समाचार आपको एक दिन पहले ये खबर बता रहा है एक्सक्लूसिव तौर पर। कल होटल ताज में माया और अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हम आपको समय भी बता देते हैं, 12 बजे होटल ताज में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र, कल की खबर हम आज बता रहे हैं, ये बड़ी खबर है, कल दोनों लोग क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र चौधरी और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा की ओर से जारी बयान में ये बताया गया है कि कल 12 तारीख को 12 बजे होटल ताज में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसमें बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रहेंगे। तो ये बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर सपा बसपा में गठबंधन हो गया है और जो तीसरा दल है राष्ट्रीय लोक दल, उसका जिक्र नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे या नहीं, लेकिन आपसी सहमति इन तीनों दलों के बीच है और ये तीनों दल कल गठबंधन का ऐलान करेंगे, किस किस सीट पर कौन लड़ेगा, कितनी सीट पर लड़ेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के। वीरेंद्र, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, जो आपके पास वो कागज मिला है उस कागज में किन किन बातों का जिक्र है, सिर्फ यही कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कुछ और? देखिए अभी जो बयान आया है, जो प्रेस नोट जारी हुआ है, उसमें यही है कि मायावती और अखिलेश यादव संयुक्त रूप से कल 12 जनवरी को 12 बजे होटल ताज में प्रेस को आमंत्रित करते हैं, मीडिया को उन्होंने बुलाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और राजेंद्र चौधरी और सतीश चंद्र मिश्रा दोनों पार्टियों की ओर से ये बयान जारी हुआ है। तो ये बहुत साफ है कि अब गठबंधन की तस्वीर एकदम साफ है सपा बसपा के बीच, सारी सीटों पर लगभग सहमति बनी हुई है, कितनी कितनी सीटों पर ये लोग लड़ेंगे और लोक दल को ये कितनी सीटें देंगे, कल ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। राहुल, देखिए भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में अब ये बहुत बड़ी चुनौती है गठबंधन, और इस गठबंधन ने पिछले जो चुनाव हुए हैं चार, उसमें चारों जीते हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव यूपी में जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने इनका वोट बैंक बहुत बड़ा है और ऐसे में अभी बीजेपी को कुछ अलग तरकीब लगानी पड़ेगी, और मायावती अखिलेश के एक साथ आ जाने से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं और कल इसका एकदम क्लियर कट ऐलान हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मायावती अखिलेश ने कमर कस ली है कि बीजेपी को केंद्र में आने से रोकना है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सुरेंद्र जी, कल आपने मीडिया को बुलाया है 12 बजे, हालांकि आप तो नहीं उसमें, लेकिन आप जिससे आप लोग समझौते की बात कर रहे थे, उन्होंने आपको रखा नहीं है, सपा और बसपा हैं। अब इस बात की जानकारी अगर आपको है तो निश्चित तौर पर नहीं रखा होगा, वो जाने, उनका काम जाने, जो दूसरी बात है वो अपना अलग दल है उनसे, और अगर वो बुलाएंगे तब हम लोग बात करेंगे, नहीं अगर वो कर सकते हैं और आपस में ही सब लोग लड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है, और सभी दलों का एक ही उद्देश्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो निकृष्ट गठबंधन है इसको हराना, भारतीय जनता पार्टी की जो मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियां हैं उसको हराने का काम सभी लोग करेंगे। तो सुरेंद्र जी, बात कैसे नहीं बनी, आप तो लीड कर रहे थे पूरे देश में, सबको जोड़ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बात कैसे नहीं बन पाई? जनता के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है, कांग्रेस नहीं इसको लीड कर रही है, ना कांग्रेस ने कभी कहा कि हम लीड कर रहे हैं, कांग्रेस एक सार्वजनिक पार्टी है, समय परिस्थिति और काल के अनुसार राज्यवार हम लोग सभी समान विचारधारा वाले दलों से बात कर रहे हैं, जिनसे बात बनेगी अच्छा और जिनसे नहीं बात बनेगी उनसे शुभकामनाएं उनको। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो आप अखिलेश के साथ घूमे थे आप लोग, ऐसे में जनता पूछेगी, वो तो अलग हो गए। विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक दूसरे के डीएनए को खराब कर रहे थे, आज की जन्म बिहार को मिलकर के क्या कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं आपके सामने ही, इन सब बातों का क्या मतलब है राजनीति में? यानी राजनीति समय समय पर बदलती रहती है? निश्चित तौर पर राजनीति समय परिस्थिति और काल के अनुसार बदलती है। तो यानी आप इस गठबंधन से सहमत हैं, ठीक है आप अलग अलग लड़ेंगे, यानी भाजपा कांग्रेस और महागठबंधन? ये कहना अभी कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एक चीज तय है कि सभी लोग
भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़े। लेकिन यहाँ पे तो दो ताकत हो गई, आप लोग बोल रहे थे सब लोग मिल के लड़ें और हराएं, यहाँ पर तो अब सपा बसपा तो अलग हो गई ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया, बकायदा बुलाया है कि आप लोग आइएगा, प्रेस नोट जारी किया है 12 जनवरी को 12 बजे होटल ताज में, अखिलेश और मायावती। उन सब लोगों को शुभकामनाएं, आप शुभकामना दे रहे हैं उन लोगों को? हाँ निश्चित तौर पर। अब आप अलग लड़ेंगे, अपने तरीके से लड़ेंगे? आप राहुल जी बहुत स्पष्ट रूप से समझिए, आप किसी भी तरीके से कुछ भी कहिए, जो हमारा आधिकारिक स्टैंड है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया कि आज की डेट में गांधीवादी, लोहियावादी और अंबेडकरवादी विचारधारा गोरसे और गोवलकरवादी विचारधारा को हराएगी और पूरी तरीके से हराएगी, हम इसमें पूरी तरीके से सक्षम है। तो वो भी तो 150वीं जयंती मना रहे हैं गांधी जी की, गांधी जी को लेकर चल रहे हैं। अब वो प्रतीकों का अपहरण करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांतों का अपहरण करके हम उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी के। अनिल दुबे जी, कल पत्रकारों को बुलाया गया है होटल ताज में 12 बजे, उसमें आप नहीं हैं? नहीं, अभी उन लोगों के दोनों दलों के बीच में बात होनी है और वो लोग साझा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होना वो होगा। चलिए समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी पहले अपने कार्यक्रम कर रही है, साथ बैठने का कार्यक्रम कर रही है और जो हम लोगों की साझा सहमति बनी थी कि उत्तर प्रदेश में हम लोग साथ में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के साथ में लड़ेंगे, वो सहमति हमारी आज भी कायम है। अब वो कौन कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कब किस कार्यक्रम में शामिल होगा, वो दोनों बड़े बड़े घटक दल हैं, उन्हीं दोनों दलों को तय करना। नहीं लेकिन आप भी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं ना, आप भी पूरी मजबूती के साथ, ऐसे में अगर तीनों लोग बैठते तो क्या होता, दो सीट के बजाय एक सीट और लग जाती? लग सकती थी, लेकिन अब उन लोग दोनों दलों ने पहले तय किया होगा कि पहले हम दोनों लोग बैठ लें उसके बाद किसी और को बैठा लेंगे। ठीक है, मनीष शुक्ला जी भी हैं बीजेपी के प्रवक्ता है। मनीष जी, अनिल दुबे कह रहे हैं कि लग सकती थी तीसरी सीट, आपको बता दें खबर ये है कि 12 बजे 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, अखिलेश और मायावती साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, स्वागत कर रहे हैं आप। आपके सूचना के आधार पर ही मैं बयान दे रहा हूँ कि अखिलेश जी और मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मान लीजिए तो उनका अंदरूनी मामला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे जनता जरूर जानना चाहेगी कि 93 में जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उसके बाद जो मुकदमे कायम हुए थे उस पे मायावती जी उन मुकदमों को वापस लेंगी अब क्या, और उसके बाद जो गांव-गांव चौराहों के बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पे उनका क्या होगा। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो सभी जिला कप्तान के ऑफिस के सामने एक मेज कुर्सी लगा के FIR दर्ज की गई थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर की लोगों ने उत्पीड़न किया था। ठीक है मनीष जी, का क्या होगा ये पूछ लेते हैं। नावेद सिद्दीकी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। नावेद जी, कल 12 बजे 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है अखिलेश यादव और मायावती की, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि जो तमाम आप लोगों के बीच में दूरियां थी 93 से लेकर 2007 का जिक्र किए, कैसे आप लोग साथ आ रहे हैं? राहुल जी, कल एक ऐतिहासिक दिन है और कल दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी अपनी पार्टी के होंगे और जिस तरह से कल एक बौखलाहट आपने देखी है CBI में जो खेल हुआ है आधी रात से, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डर करके ये सारा काम किया, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो हैं आप देख रहे हैं सारी चीजें निकल करके आएंगी। तो ये तो कल का दिन बहुत अच्छा होने वाला है और जो लोग अभी ये कह रहे थे कि मूर्तियां तोड़ने वाले हैं समाजवादी वाले, तो इनको हम ये बता दें कि हमारी सरकार में आदरणीय मायावती जी की मूर्ति किसी ने क्षति पहुंचाई थी, तो जैसे ही क्षति पहुंचाई थी आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आदेश हुआ कि अगर दूसरी मूर्ति रखी है तो आप उसको, इत्तेफाक से वो दूसरी मूर्ति हमारा जो जिस विभाग में मैं अध्यक्ष था संगीत नाटक अकादमी में वहीं रखी थी, तो वहां से उसको उठा करके LDA ने उसको दोबारा स्थापित करवाया अखिलेश जी ने। तो जरा ग्रेटनेस देखिए और इनको ये बताइए कि मूर्ति तोड़ी नहीं, मायावती जी की मूर्ति तो उन्होंने उस वक्त लगवा दी थी। अच्छा जी, ये तो एक बहुत ग्रेट लीडर कर सकता है, अखिलेश जी तो देखिए उसी वक्त कर दिया उन्होंने।
नावेद, अपने तथ्य सही करें पहले। हाँ ठीक है नावेद जी, कल ऐतिहासिक दिन है, मनीष शुक्ला जी चले गए हैं, उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया। चले नहीं गए, वो भाग गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं। अनिल दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं जी, अगर तीसरी सीट भी लग जाती तो कह रहे हैं ठीक ही होता। नहीं नहीं सौमित्र जी, हाँ बात सीट लगने की नहीं है, देखिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में बातें तय हो चुकी होंगी, इसलिए अच्छा। वो सीट लगा रहे हैं। हमारा अभी तय होना शेष है, जब हमारा तय हो जाएगा कि हम कहाँ पे लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या होगा, तो हमारी भी सीट लगेगी, कहीं कहीं उसमें विवाद नहीं है। समाजवादी पार्टी भी स्पेशल सीट लगेगी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ ही हम लोगों को। नावेद जी साथ तो है ना, अनिल दुबे जी साथ तो है आपके ना? जी बिल्कुल साथ है। अब वो बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐलान करेंगे, कल ऐतिहासिक दिन है, दो पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे जी, और ये पक्का गठबंधन की बात है, बहुत स्वाभाविक है चूंकि सब कुछ तो हो गया है, दिल्ली में तय हो गया है। देखिए अब क्या बात है, किस बात पे बात होगी, गठबंधन की बात होगी या क्या होगी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय मायावती जी करेंगे, तो ये कल का जो सस्पेंस है ये बना रहने दीजिए, तो आपको भी मजा आएगा। पिक्चर में अगर सस्पेंस बता दिया जाए तो पिक्चर का मजा खत्म हो जाता है। कल तो आप रहेंगे ही, बहुत स्वाभाविक है। मैं बिल्कुल रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, अनिल दुबे कह रहे हैं कि बाद में हम लोगों की बात हो जाएगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अनिल दुबे हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि कल 12 बजे यानी 12 जनवरी को 12 बजे अखिलेश यादव और बसपा की सुप्रीमो मायावती एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब किन मुद्दों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये कल ही आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत स्वाभाविक है कि गठबंधन की बात है। आगे बढ़े ने से पहले आपको एक बार फिर से खबर बता दें, बड़ी खबर है लखनऊ से, ये बड़ी खबर है, कल यानी कि 12 जनवरी 2019 को मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कल ये होटल ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोपहर 12 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव, बाकायदा मीडिया को निमंत्रण भी मिल गया है, गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो सकता है ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दोनों दल अलग अलग हैं, एक समाजवादी और एक बसपा, बहुत स्वाभाविक है अपनी एकता और अपनी एकजुटता दिखाने के लिए कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है, कल होटल ताज में 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यह बड़ी खबर है, कल होटल ताज में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गठबंधन का औपचारिक ऐलान कल हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आधिकारिक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, प्रेस नोट पर सतीश चंद्र मिश्रा और राजेंद्र चौधरी के साइन है, यानी दोनों तरफ से साइन किया गया है, एक सपा की तरफ से राजेंद्र चौधरी जी का और सतीश चंद्र मिश्रा जी का बसपा की तरफ से। मायावती और अखिलेश की यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी, 12 बजे होटल ताज में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। इसके पहले जो उपचुनाव हुए समाजवादी और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़े, उसका नतीजा ये रहा कि समाजवादी और बसपा के कैंडिडेट जीतने में कामयाब रहे, चाहे वो गोरखपुर की सीट रही हो, चाहे वो फूलपुर की सीट रही हो, या फिर नूरपुर या कैराना, यहां पर सपा बसपा का एकजुटता और सहयोग देखने को मिला। तो यह बड़ी खबर है, 12 बजे होटल ताज में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होगी। हालांकि जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी राहुल गांधी को लेकर यानी कांग्रेस को लेकर, वो आउट हो चुके हैं, माया और अखिलेश एक साथ साथ हैं और कांग्रेस पूरी तरह से आउट है, कांग्रेस इसमें नहीं है महागठबंधन पर। कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी को हराने के लिए हम एकजुट होंगे, लेकिन यहां पर स्थिति ठीक उलट है, यहां पर समाजवादी और बसपा में एकजुटता तो है लेकिन कांग्रेस को आउट कर दिया गया है,
2017 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और सपा एक साथ सवार थे, लेकिन इस बार सपा ने यही बेहतर समझा कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। और इस खबर के साथ ही जिला समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत समाचार।